गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, क्या क्या देखा था हमने प्रोडक्शन फंक्शन में? सबसे पहले मीनिंग देखा था प्रोडक्शन का, ठीक है. फिर इकोनॉमिक्स में मीनिंग देखा था प्रोडक्शन का. फिर हमने क्या देखा था प्रोडक्शन का? देखा था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है. फिर हमने उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे थे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था उसमें तो हमारे फैक्टर्स कितने टाइप के होते थे? टू, फिक्स्ड और वेरिएबल. इट मीन शॉर्ट रन में क्या होगा, कुछ फैक्टर्स तो क्या होंगे, फिक्स्ड, और कुछ क्या होंगे, वेरिएबल. लेकिन जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन था उसमें सारे फैक्टर्स आपके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे. इट मीन्स हम फिक्स में भी चेंजेस कर सकते हैं और वेरिएबल में भी क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है. फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है. क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में हम जो भी लॉ पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले कुछ अजम्पशन पढ़ेंगे, तभी ये लॉ हमारा क्या हो पाएगा, एप्लीकेबल. सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम इसकी अजम्पशन देखें, देन हम स्केड्यूल देखेंगे, ठीक है. क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? इट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट रन ऑफ प्रोडक्शन. ये किससे रिलेटेड होता है? शॉर्ट रन से, ठीक है. इट मीन्स शॉर्ट रन में क्या होगा, कुछ फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड, और कुछ क्या होंगे, वेरिएबल. ये किससे रिलेटेड है हमारा? शॉर्ट रन प्रोडक्शन से, ठीक है. एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, इट मीन्स हम किस में चेंजेस करेंगे, सिर्फ वन इनपुट में, लाइक वेरिएबल फैक्टर्स में, ठीक है. एंड कीपिंग द अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, और जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो तो क्या रहेंगे, फिक्स. चेंजेस किस में होंगे, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में. और वेरिएबल फैक्टर को हम क्या करके लेके चलते हैं, मींस हम मान के चलते हैं कि वो क्या है हमारा, लेबर, ठीक है. एंड कीपिंग द अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट देन द टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस. टोटल प्रोडक्शन जो है वो इनिशियली तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, एट एन इंक्रीजिंग रेट. और कैसी रेट से? इंक्रीजिंग रेट से. देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज होता है, लेकिन कैसी रेट से होता है, डिक्रीजिंग रेट से. एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, और फिर थर्ड स्टेज पर क्या आता है कि वो इंक्रीज होने की बजाय क्या होने लगता है, डिक्रीज. इट मीन्स टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने की बजाय रिड्यूज होता है, ठीक है. तो ये है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है. कितने फैक्टर्स हो गए? टू. कौन कौन से? फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ठीक है. और क्या होगा कि हम फिक्स फैक्टर को तो क्या रखेंगे, फिक्स, और चेंजेस किस में करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स में. तो टोटल प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है. तो टोटल प्रोडक्शन पहले तो फर्स्ट स्टेज में तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग रेट से. सेकंड स्टेज में क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन कैसी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से. और थर्ड स्टेज में इंक्रीज होने की बजाय क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है. तो कुछ अजम्पशन है इसकी, अजम्पशंस देख लेते हैं कि क्या क्या है. अजम्पशन वो चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हमें मान के चलना होता है कि ये चीज़ें क्या है हमारी, कॉन्स्टेंट है. मीन्स क्या नहीं आएंगे, किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आना चाहिए, इनको हमें क्या करके चलना है, कॉन्स्टेंट लेके चलना है. तो फर्स्ट अजम्पशन इज द थ्योरी इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन. जो ये थ्योरी है ना, किसकी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, वो किससे रिलेटेड है आपके, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से. मैंने पहले ही आपको बता दिया था ऊपर कि क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन से रिलेटेड है. सेकंड क्या है आपका, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, टू. एक तो क्या हो गया, वेरिएबल, और दूसरा क्या हो गया आपका, फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कितने हो गए आपके, टू. थर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट. टेक्नोलॉजी भी क्या रहती है आपकी, कॉन्स्टेंट. टेक्नोलॉजी में भी किसी तरीके से चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस आते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ना कि रिड्यूस होगा. तो टोटल प्रोडक्शन भी क्या रहेगा आपका, वो सॉरी टेक्नोलॉजी भी क्या रहेगी आपकी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है. द लॉ अप्लाइज ऑन फील्ड ओनली. जैसे कि ये फील्ड है, मीन्स ये लैंड का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है. मीन्स हमें प्रोडक्शन जो करना है इस फील्ड पर ही करना है, इस लैंड के पार्ट पर. तो लैंड तो क्या हो गया आपका, फिक्स फैक्टर. अब इस पर क्या अप्लाई किए जाएंगे हम, वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर क्या होंगे हमारे, लेबर, ठीक है. तो ये तो क्या हो गया हमारे, वेरिएबल फैक्टर, और ये क्या हो गया हमारा, फिक्स फैक्टर. मींस जो ये लैंड का पीस है ना, ये क्या रहेगा, फिक्स.
इसकी जो हम साइज है उसको क्या नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। और ये जो लॉ है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो किस पर अप्लीकेबल होगा, ओनली फील्ड पर ही, ठीक है। तो ये हमारी थी अजम्पशन कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और क्या होंगे हमारे टू प्रोडक्शन फंक्शन होंगे, फर्स्ट इज वेरिएबल और सेकेंड इज फिक्स। टेक्नोलॉजी क्या रहेगी हमारी, कॉन्स्टेंट रहेगी। द लॉ अप्लाइज ऑन फील्ड ओनली, ठीक है। और भी हो सकती हैं, जैसे बुक्स में दी गई होंगी आपकी वन टू और एक्स्ट्रा दी गई होंगी। मीन्स जो फैक्टर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या नहीं होते हैं, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे नहीं होते, क्योंकि हम फिक्स फैक्टर की बजाय ये तो है ना कि वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लेबर को यूज में ले लेंगे, हमें दोनों को क्या करना होगा, यूज में लेना होगा, फिक्स को भी और वेरिएबल को भी, ठीक है। तो हमें जो फिक्स फैक्टर है वो तो क्या रहेंगे, फिक्स। और जो हम ये पीस ऑफ लैंड है इस पर अपने वेरिएबल फैक्टर्स की जो क्वांटिटी है उसको क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इट मीन्स लेबर की क्वांटिटी क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लेकिन लैंड की ऐसी हमारी हर स्टेज पर कैसी हमारी फिक्स है, ठीक है। अब हम इसको स्केड्यूल से समझते हैं कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, मैंने बताया था कि कोई भी लॉ पढ़ेंगे हम तो सबसे पहले उसका मीनिंग, फिर अजम्पशन, फिर स्केड्यूल और फिर हम क्या पढ़ेंगे, डायग्राम, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, स्केड्यूल। स्केड्यूल मीन्स क्या होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करना। इट मीन्स किस फॉर्म में कर रहे हैं हम, टेबल फॉर्म में, ठीक है। अब एक तो आपको क्या दिया हुआ, लैंड, ठीक है। लैंड क्या है आपकी, फिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब पर 1, 1 है, ठीक है। लेबर की क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट आता है, जब आपने लेबर 1 यूनिट अप्लाई की इस लैंड पर तो टोटल प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी का हुआ, 10, ठीक है। फिर आपने सेकंड लेबर ऑफ यूनिट जब अप्लाई किया उस पीस ऑफ लैंड पर तो आपका टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का हुआ, 30, ठीक है। पहले एक जना फील्ड पर काम कर रहा था, अब दो करने लग गए तो टोटल प्रोडक्शन तो क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, तो 10 से कितना हो गया, 30, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका, थर्ड लेबर ऑफ यूनिट वर्क कर रही थी तो आपका टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 30 से कितना हो गया, 45, ठीक है। फिर 4 पर कितना हो गया, 52, 5 पर कितना हो गया, 52, इट मीन्स कॉन्स्टेंट रहा, कोई भी चेंजेस नहीं आए। और 6 पर क्या हो गया, 52 से कितना हो गया, 48, इट मीन्स इंक्रीज होने के बजाय क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन पहले तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, जैसे 10 से 30 पर आए तो कितने के चेंजेस आए, 20 के। फिर हम 30 से 45 पर आए तो कितने का चेंज आया, 15 का। इट मीन्स इंक्रीज हुई लेकिन कैसी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। फिर 45 से 52 पर आए, इंक्रीज तो हुआ लेकिन कैसी रेट से हुआ, डिक्रीजिंग रेट से, 7 से हुआ। 15 से हम 7 पर आ गए तो रिड्यूस हुआ ना। फिर 52 से 52 पर ही रहे, कोई चेंजेस नहीं आया, इट मीन्स किस तरह का चेंजेस आया, 0 का, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमने देखा कि जो टोटल प्रोडक्शन है पहले फर्स्ट स्टेज, ये जो हमारी लेबर 2 तक है ना, ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट स्टेज। अब इस फर्स्ट स्टेज पर आप देखेंगे कि 2 लेबर तक जो ये आपकी फर्स्ट स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न वाली स्टेज होगी, ठीक है। मीन्स टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और कैसी रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। अब जब ये 5 यूनिट तक, लेबर की 5 यूनिट तक, 3 to 5, ये कैसी स्टेज है हमारी, सेकेंड। इट मीन्स टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन कैसी रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। 15 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 0 हुआ, 45 से 52 पर आए, 52 से 52 पर ही रहे, इट मीन्स कोई चेंजेस नहीं आए। फिर हम 5 से 6 पर आए तो कितने का हो गया, 48, इट मीन्स हम नेगेटिव में आ गए, ठीक है। मीन्स -4 का रिडक्शन हो गया टोटल प्रोडक्शन में, ठीक है। अब बात आती है एपी की, कि एपी कैसे फाइंड करते हैं, एपी कैसे फाइंड करते हैं। एपी का फॉर्मूला था टीपी अपॉन क्यू, और टीपी क्या हो गया, टोटल प्रोडक्शन, और क्यू क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है। तो एपी कैसे आएगा, टीपी अपॉन क्यू, 10 को 1 से किया 10, 30 को 2 से किया 15, 45 को 3 से किया तो 15, 52 को 4 से किया तो 13, 52 को 5 से किया तो 10.4, और 48 को 6 से किया तो 8। आगे आपका एपी, एपी तो क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है। अब एमपी देखो, टीपी और एमपी हमेशा इसमें एक दूसरे से रिलेट करेंगे, क्योंकि एमपी में हम देखते ही क्या हैं, चेंजेस देखते हैं ना, किसमें, टोटल प्रोडक्शन में, कि वन मोर यूनिट हमने लेबर की अप्लाई करी उस फील्ड पर तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंजेस आए, वो होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एमपी कैसे आएगा, एमपी का फॉर्मूला होता है डेल टीपी अपॉन डेल क्यू,
डेल का मीन्स क्या हो गया, चेंजेस किस में, टीपी में, फिर डेल का चेंजेस किस में, क्वांटिटी ऑफ लेबर में क्या आ रहे हैं हमारे, चेंजेस आ रहे हैं क्यू में, ठीक है, तो क्यू क्या हो गया हमारा, क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं चेंजेस से, डेल टीपी में कितने चेंजेस आ रहे हैं और डेल लेबर में कितने चेंजेस आ रहे हैं, एडमिट लेबर में कितना चेंजेस आ रहा है और टोटल प्रोडक्शन में, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम पी। अब आप देखोगे कि टी पी वन लेबर था ना, इससे पहले कुछ भी नहीं था तो कितना था, वन में से जीरो गया तो वन आएगा, ठीक है, और टी पी में वन से पहले कुछ भी नहीं था तो टोटल प्रोडक्शन भी क्या आ जाएगा, टेन माइनस जीरो तो कितना आ जाएगा, टेन, ठीक है। तो फर्स्ट पर तो कितना आ गया हमारा, टेन डिवाइडेड बाय वन, टेन, टेन से थर्टी पर आए तो कितने का डिफरेंस था, ट्वेंटी का, और वन से टू पर आए तो कितने का डिफरेंस था, वन का, ट्वेंटी को वन से डिवाइड किया, ट्वेंटी, थर्टी से फोर्टी फाइव पर आए कितने का डिफरेंस आया, फिफ्टीन का, टू से थ्री पर आए तो वन का, फिफ्टीन को वन से डिवाइड किया तो फिफ्टीन, फोर्टी फाइव से फिफ्टी टू पर आए तो सेवन का, थ्री से फोर पर आए तो वन का, सेवन को वन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिफ्टी टू से फिफ्टी टू कितने के चेंजेस आएंगे, जीरो, ठीक है, तो जीरो को वन से डिवाइड, और इसमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है, तो जीरो ही आएगा, ठीक है, तो फिफ्टी टू से फोर्टी एट पर आए तो माइनस फोर, और माइनस फोर को वन से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस फोर, ठीक है। तो हमने देख लिया कि टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज में तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड स्टेज में इंक्रीज हो रहा है लेकिन कैसे रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, और थर्ड स्टेज हमारी कौन सी है, डिमिनिशिंग, वो नेगेटिवली, ठीक है। तो क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 52 से कितना हो गया, 48। तो ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हमारा स्केड्यूल हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अब किसके थ्रू समझेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हमारे डायग्राम से, ठीक है। नाउ वी सी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ओके। स्केड्यूल से हमने क्या बनाया है, ये डायग्राम बनते बनाया है, देखो ये टू डायग्राम दोनों साथ साथ बनेंगे, कौन कौन से, फर्स्ट तो बनेगा टीपी का और सेकंड कौन सा बनेगा आपका, एपी एंड एमपी का, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है आपका, ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर, ओ वाई एक्सिस पर हमने फर्स्ट वाले डायग्राम में तो टीपी, ये ओ एक्स एक्सिस था, यहाँ पर भी यूनिट्स ऑफ लेबर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका, एपी और एमपी, जो ये डेटा थे हमारे गिवन, इसके बेसिस पर हमने टीपी बनाया, देन एपी और एमपी बनाया, ठीक है। जब हमने इस डायग्राम को ड्रॉ किया तो यहाँ पर तो यूनिट्स ऑफ लेबर लिखी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, टीपी ड्रॉ किया, टेन थर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी टू फिफ्टी टू एंड फोर्टी एट, वन पर टेन, टू पर टेन, फिर थ्री पर कितना हो गया हमारा, थ्री पर, सॉरी, वन पर टेन, टू पर कितना हो गया, थर्टी थर्टी, ठीक है, थ्री पर कितना हो गया, फोर्टी फाइव, और फोर पर कितना हो गया हमारा, फिफ्टी टू, फिर फाइव पर भी कितना है हमारा, फिफ्टी टू, एंड देन हमारा है 48। जब ये जो पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को हम जॉइंट करेंगे तो जॉइंट करने पर ये इस तरीके से कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये जो कर्व आया है ये किसका है, हमारा टोटल प्रेडिक्शन का, ठीक है। वन पर कितना डॉट लगाएंगे, किसके सामने, टेन पर, टू पर किसके सामने लगाएंगे, थर्टी पर, थ्री के सामने किस पर लगाएंगे, फोर्टी फाइव पर, फोर के सामने किस पर लगाएंगे, फिफ्टी टू पर, फाइव पर किसके सामने लगाएंगे, फिफ्टी टू पर, देन सिक्स पर किसके सामने लगाएंगे, फोर्टी एट पर। इसी तरीके से ये नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें भी ओ एक्स एक्सिस पर नीचे क्या दे रखे हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर, और ओ वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एपी और एमपी। सबसे पहले एपी बना लेते हैं, फिर क्या बनाएंगे, एमपी। वन के सामने टेन पर, टू के सामने फिफ्टीन पर, थ्री के सामने फिर फिफ्टीन पर, फोर के सामने फिर थर्टीन पर, फिर फाइव के सामने टेन पॉइंट फोर पर, फिर सिक्स के सामने एट पर, ठीक है। तो मीन्स ये इस तरीके से जब इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से कर्व आएगा, ठीक है। एपी बना लिया, अब क्या बनाएंगे, एमपी बनाएंगे। जब एमपी बना रहे हैं, वन के सामने टेन पर, टू के सामने ट्वेंटी पर, थ्री के सामने फिफ्टीन पर, और फोर के सामने सेवन पर, और फाइव के सामने जीरो। इट मीन्स ये जीरो जब भी कोई कर्व ओ एक्स एक्सिस को टच करता है तो वहां पर वो चीज क्या हो जाती है, जीरो। मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट एस पर एमपी देखेंगे आप किसके इक्वल है, जीरो के बिल्कुल है या नहीं है, क्योंकि जब भी कोई कर्व एक्सिस पर टच कर गया ना तो इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर फाइव यूनिट ऑफ लेबर पर आप देखेंगे कि जो एमपी की वैल्यू है, एस पॉइंट दिया ना मैंने इसको, तो एमपी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, जीरो।
फिर आप देखेंगे हम नेगेटिव में आ रहे हैं, ओ एक्सिस के नीचे आ रहे हैं, जब नेगेटिव में जाते हैं तो इट मीन्स नीचे आएंगे ना, तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और माइनस फोर, जब हम इसको बनाएंगे सिक्स यूनिट पर माइनस फोर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वैसे कोई नीड नहीं है, आप सीधा नेगेटिव बना सकते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखा है आपके लिए, ठीक है। तो मीन्स हम जीरो से कहाँ आ गए, नीचे आ गए ना, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो देखेंगे कि आप सिक्स यूनिट पर जो हमारी एम पी की वैल्यू थी वो माइनस फोर थी, जीरो से कहाँ आ गए, नीचे आ गए ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज, ये हमारी सेकेंड स्टेज और ये हमारी थर्ड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आप देखेंगे कि टू यूनिट ऑफ लेबर तक है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर टीपी क्या है आपका, कितना है 30, ठीक है, टीपी कितना है आपका 30। इट मीन्स यहाँ तक तो क्या हो रही है आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर टीपी तो कितना है 30 और एमपीवी मैक्सिमम है कितना 20, ठीक है। तो ये एमपी तो यहाँ पर क्या हो गया मैक्सिमम 20, यहाँ पर एमपी क्या हो गया मैक्सिमम, ठीक है। और टीपी क्या हो गया यहाँ पर, कि मीन्स यहाँ तक टीपी क्या हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है 30 तक। तो इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। क्यों ज्वाइंट किया, क्योंकि यहाँ पर टीपी तो क्या थी इंक्रीजिंग रेट तक इंक्रीज हो रही थी और एमपी क्या थी यहाँ पर मैक्सिमम थी, ठीक है, इस पी पॉइंट पर, यहाँ पी पॉइंट, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। ये क्या हो गई, यहाँ तक हमारी कौन सी स्टेज हो गई, फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज क्या बोलती है, कि ये टीपी यहाँ पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, मीन्स टीपी मैक्सिमम कहाँ पर है 52 तक, इट मीन्स जो 5 यूनिट ऑफ लेबर है ना यहाँ तक, ठीक है। तो उस पर आप देखेंगे कि टीपी तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम 52 और एमपी कितना हो जाएगा आपका, एमपी वहां पर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये पॉइंट एस और ये वाला पॉइंट, ठीक है, टीपी का मैक्सिमम, हमने इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया। ये कौन सी स्टेज हो गई हमारी, सेकेंड स्टेज, जहाँ पर टीपी तो क्या हो गया मैक्सिमम हो गया 52, ठीक है, और जो हमारा एमपी था वो कितना हो गया 0, क्योंकि ओ एक्स एक्सिस को टच कर दिया ना इसने, ठीक है। फिर सिक्स्थ पे देखेंगे, जो सिक्स यूनिट ऑफ लेबर है वहां पर हमारा टीपी तो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, 48 पर आ गया ना, इसलिए क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है और एमपी क्या हो रहा है आपका नेगेटिवली स्लो जा रहा है। तो इसके बाद कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी हमारी, थर्ड स्टेज, 5 के बाद है या नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था, सबसे पहले उसका मीनिंग देखा, उसकी अजम्पशंस देखी, ठीक है, फिर स्केड्यूल देखा एंड देन डायग्राम से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझा, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।